ये हैदर को तो ये मारती थी, उन्होंने इतना तो कुछ बोल दिया, वो बोली हैदर को ये मारती थी, सीमा को शर्म आती, तुम तो मुसलमान, उसके घर पे 3 कुरान पाक रखे हैं, 3 कुरान पाक, बस YouTube में फिल्म बना ली, है कर दिया, मैं कर दिया, उसको बिठा लिया, उसको बिठा लिया, उसकी मजाक उड़ा ली, उसकी उड़ा ली। अपने देश को तूने मां सिवा बदनामगी के क्या दिलाया है? जय श्री राम, अल्लाह अकबर, राधे राधे, भारत माता की जय, और इन्हीं नारों को कह करके तुझे जेल में पहुंचाएंगे। जितना चहकना है चहक ले, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितनी उछल कूद करनी है तू जितनी मर्जी कर ले, खुशी का तांडव करती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। जब ये 10 दिन नेपाल में अय्याशी करने आई हुई थी सचिन के साथ, तो आधार पर कह रही है कि तू भारत सरकार तेरे साथ है। हम भारतीयों के दिल में ये तिरंगा है, हम भारतीय हैं, हमारे पे क्या बड़ा करेगी तू? तू अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकी, अपने देश को तूने मां सिवा बदनामगी के क्या दिलाया है? मां सिवा तूने अपने देश को जो बदनाम किया है, जो जिल्लत पूरी दुनिया में दिलवाई है, तू जरिया है अपने देश को जिल्लत दिलाने की, तू जरिया है अपने देश को नीचा दिखाने की। जब जिस धरती में तूने जन्म लिया, जो तेरी मातृभूमि थी, ठीक है हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती, हम कई बार बन जाती कई बार नहीं बनती क्योंकि हमारे बीच में कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वो तेरा तो मुल्क था, अरब भी है, तूने अपनी मातृभूमि के साथ क्या किया है? तूने अपने उस देश के साथ क्या किया जो तेरा देश था, अब भी है? तो तू अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो हमारे देश भारत में आकर के तू भारतीयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगी? तेरी माँ ने दूध पिलाया, इतना बड़ा कदम उठा देगी? हम भी तो देख रहे हैं 4 महीने से, हम भी तो तेरा बड़ा कदम, तेरा और तेरे भैया का बड़ा कदम देखते आ रहे हैं। और शहीद आजम भगत सिंह की सोच, शहीद आजम भगत सिंह की धरती से हैं हम, जो मात्र खेलने की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे अपने देश के लिए, उसी देश उसी धरती के हैं हम। तो तू क्या समझ रही है, क्या समझ रही है तू, क्या दिमाग में तेरे, भूल जा। तू मेरे को यह बता, हमने तेरे से एक सवाल किया था कि तेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें उस बात का जवाब दे। उस बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं। कब उन बच्चों का एडमिशन हुआ, उस बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं। किस स्कूल में जाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। कब तेरी तलाक हुई, किस दिन हुई, क्या तारीख थी, क्या समय था, क्या दिन था, किन के सामने हुई, उस बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं। तेरी शादी कब हुई, कहाँ हुई, किस डेट पे हुई, किस स्थान पे हुई, उसका तेरे पास कोई जवाब नहीं। तूने हिंदू धर्म को किस स्थान पर, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, किसके जरिए से अपनाया, उस बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं। तेरे पास उन बातों का कोई जवाब नहीं जो भारत के लोग तेरे से पूछते हैं, जो भारत की जनता तेरे से पूछती है, जो भारत की माएं बहनें बेटियां तुझसे सवाल करती हैं, जो भारत के लोग तुझसे सवाल करते हैं, हम तुझसे सवाल करते हैं, उसी का तेरे पास जवाब नहीं, ना तेरे भैया के पास जवाब है। अब तू कहती है ना जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हम कहते हैं कि जय श्री राम, अल्लाह अकबर, राधे राधे, भारत माता की जय, और इन्हीं नारों को कह करके तुझे जेल में पहुंचाएंगे। जब तू जेल में जाएगी ना, हम भी ये नारे मारेंगे, हम भी कहेंगे कि जय श्री राम चल जेल में, हम भी कहेंगे राधे राधे चल जेल में, हम भी कहेंगे भारत माता की जय चल जेल में, हम भी कहेंगे अल्लाह अकबर चल जेल में, हम भी नारे मारेंगे, चिंता मत कर। तू तू क्या समझ रही है, भारत हमारा, जय श्री राम हमारे, राधे राधे हमारे, अल्लाह अकबर हमारे, भारत माता की जय हमारा नारा, सब कुछ हमारा, और तुझे जेल भेजते हुए हम यही नारे लगाएंगे उस दिन, चिंता मत कर। बक्सेंगे नहीं, मोमिन मलिक बक्सेगा नहीं, मोमिन मलिक की जिंदगी का मकसद ही एक है, तेरे को जेल कराना और हैदर के बच्चों को हैदर तक दिलवाना, ये मोमिन मलिक की वकालत का मकसद है, और भारतीय संस्कृति को गंदी होने से बचाना, ये मोमिन मलिक की वकालत का मकसद है, भारतीय संस्कृति को खराब होने से बचाना, ये भारतीय मोमिन मलिक की का मकसद है, और ये पूरा होगा। जितना चहकना है चहक ले, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितनी उछल कूद करनी है तू जितनी मर्जी कर ले, हमारा भी समय आ रहा है, अब भी आ रहा है, आने वाले टाइम में भी आएगा, और हम दिखाएंगे तेरे को खून के आंसू रोती हुई, हम दिखाएंगे तुझे भारत के लोगों के हाथ जोड़ती हुई, उनके पैर पकड़ती हुई, उनसे दया की भीख मांगती हुई, उनसे माफी मांगती हुई, भारत के लोगों से हम दिखाएंगे तेरे को। और आज कुछ टाइम पहले, अभी कल परसों, हमारे 4 लोग शहीद हुए जम्मू कश्मीर के अंदर,
और तू खुशी मना रही है रघुपुरा के अंदर। जब भी भारत में कोई घटना इस प्रकार की होती है जिसमें भारतीयों की जान जाती है, जिसके अंदर भारत माता के नौजवान शहीद होते हैं, जिसके अंदर भारत के सपूत शहीद होते हैं, जिसके अंदर भारत के नागरिक शहीद होते हैं, तो उन मौकों पे अपने घर के अंदर खुशी मनाती है, ये क्या कारण है? मैं सवाल पूछता हूं भारत की जनता से। जब जब भी ये घटना होती है उन्हीं घटनाओं में तू नाचती भी है, तू गाती भी है, तू ढोल भी बजाती है और उसको पब्लिश भी करती है यूट्यूब के ऊपर और खुशियां मनाती है और नई नई ड्रेस पहनती है, क्यों? तुझे भारत में अगर कोई नुकसान होता है, हमारे भारत के नौजवान नौ सपूतों को कोई गोली मारता है, उनके बलिदान होता है, वो भारत माता पे शहीद होते हैं, तो तुझे खुशी होती है? लड़त तेरी जिंदगी पे। हमारे भारत में किसी भी हिस्से में कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई बस जैसा अटैक होता है, तो अभी चार लोग दो दिन पहले मारे गए और तू खुशियां मना रही है, खुशी का तांडव करती है? शर्म आनी चाहिए तुझे, मगर तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि तू भारत की भूमि पर जन्म नहीं लिया, ये फर्क है। अगर तू भारत की भूमि पर जन्म ले लेती ना, तो तुझे भारत की एक कीड़ी के मरने पर भी दुख होता, एक मच्छर के मरने पर भी तुझे दुख होता भारत के, मगर तुझे कोई एहसास नहीं है कि भारत के नौजवान शहीद हो जाएं, भारत के नागरिक शहीद हो जाएं, भारत में कोई भी बड़ी घटना हो जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू उल्टा खुशी मनाती है। और मैं अपने देश की सरकार से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे देश की सरकार अब भी समझ जाए, अभी भी वक्त है, ये सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर कभी भी भारत की नहीं हो सकती, सीमा हैदर कभी भी भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकती, जब ये अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई जिसके चार चार बच्चे पैदा किए, अपनी बहन को सरेआम ना को इनकार कर दिया इसे पहचानने से, जो इसके बच्चों की लैटरिंग धोती थी, इसके बच्चों के पेशाब साफ करती थी, इसके बच्चों को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तैयार करके स्कूल भेजती थी, जब ये 10 दिन नेपाल में अय्यासी करने आई हुई थी सचिन के साथ, तो 10 झूठ बोल के मैं जा रही हूं, उस वक्त ये बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ के आई थी, उस वक्त उन चारों बच्चों को 10 के 10 दिन जितने दिन भी आ रही उन बच्चों को इसकी बहन ने संभाला, उनको टाइम पे खाना दिया, टाइम पे तैयार किया, टाइम पे उनको स्कूल में भेजा, टाइम पे जो उन्होंने मांगा उसको दिया, और कोई कमी उन बच्चों को नहीं आने दी। उस बहन को कहती है कि मेरी बहन नहीं, उस बहन को कहती है उसको मानने और पहचानने से इनकार करती है, जिस कोक से उसने जन्म लिया, जिस कोक से इसने जन्म लिया, एक कोक की औलाद को, एक कोक की भाई बहन को पहचानने से इनकार करती है मीडिया के सामने, और पीछे से उससे बात करती है, कहती है कि मैं मुसलमान की मुसलमान हूं, कहती है मेरे बच्चे भी मुसलमान है, मैं तो यहां नाटक कर रही हूं, मैं तो हिंदुस्तानियों का पागल बना रही हूं, मैं तो भारत देश की एजेंसी का पागल बना रही हूं, और मैं तो आना चाहती हूं, मैं तो बच्चों को लेकर आऊंगी, मैं तो यहां फंसी हुई हूं, पीछे से ऐसी बात करती है, मेरे पर रिकॉर्डिंग है, इसकी बहन की सारी रिकॉर्डिंग है, सब उसने मुझे भेज दिया। तो मूर्ख बनाने के लिए भारत की जनता ही मिली थी इसको, मूर्ख बनाने के लिए भारत की सरकार ही मिली थी इसको, और हम देखो कैसी बेवकूफी में गिरफ्तार हैं। इसके सब चीजों का पता है कि धोखा कर रही है, सब चीजों का पता है कि देश को धोखा दे रही है, सरकार को धोखा दे रही है, उसके बावजूद हम मौन बैठे हैं, क्यों भाई? क्या कारण है ऐसा? ऐसा क्या कारण है कि आप सीमा हैदर को लेकर के मौन बैठे हुए हैं? ये जितने मर्जी कानून का वायलेशन कर दे, जिसके प्रति बेइज्जती के शब्द यूज कर दे, और खुलेआम कह दे के उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं शरण में आई हूं, भारत सरकार की शरण में आई हूं, मैं नहीं समझता कि भारत सरकार की कोई शरण होगी इसको, मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई शरण होगी। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार की शरण नहीं है, जब भारत सरकार की शरण नहीं है, तो ये क्यों बोल रही है? क्यों आपने आज तक अपने अधिकारियों को बोल करके इसको नहीं कहा, इसको डांट नहीं लगवाई, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की कि तू किस आधार पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार तेरे साथ है? किस आधार पर कह रही है कि तू भारत सरकार तेरे साथ है? तू भारत सरकार को क्यों बदनाम करने में तुली हुई है? तू उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों बदनाम करने में तुली हुई है? तो इससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों हमारे अधिकारी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है? क्यों हमारे भारत की सरकार इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि भारत सरकार को एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल घुसपैठी भारत सरकार को बदनाम कर रही है? और मैंने कार्रवाई की हुई है, इस हफ्ते में आप सभी को बता दूंगा कि मैंने कौन सी बड़ी कार्रवाई की हुई है, और कौन सी बड़ी कार्रवाई बच्चों के बारे में हो चुकी है। बच्चों को पूरा पूरा खतरा है रघुपुरा के अंदर, क्योंकि सचिन जो है बहुत बड़ी लापरवाही का शिकार है। उसको यह अकल ही नहीं है कि इन बच्चों को बाइक पर लेकर जा रहे हो, कहीं को कोई अनहोनी ना हो जाए,